नमस्कार दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल ग्रो मोर ट्रेडिंग में। दोस्तों तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं GTL इंफ्रा के बारे में। दोस्तों कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, दोस्तों टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है कंपनी। दोस्तों कंपनी के स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस हैं। दोस्तों क्लाइंट बेस आपको चेक करने हैं गाइस, तो उसके लिए हमें ये देखिए GTL इंफ्रा की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों तो हम आ गए हैं GTL इंफ्रा की ऑफिशियली वेबसाइट पे। ये देखिए दोस्तों, इसके जो क्लाइंट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, एयरटेल, BSNL, जियो, टाटा कम्युनिकेशन, VI। और गाइस जो हाल ही में न्यूज़ आई है दोस्तों, वो ये है कि जो टाटा का सुपर डिजिटल ऐप है दोस्तों, वो डिजिटल ऐप में टाटा ग्रुप टेक ओवर करने वाली है GTL इंफ्रा को। दोस्तों तो आइए चलते हैं दोस्तों अपनी न्यूज़ के ऊपर। तो गाइस बने रहिए वीडियो के साथ, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल पैरामीटर हैं। दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप है 2006 करोड़ का, और रेवेन्यू कंपनी की है 1427 करोड़ की। रेवेन्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है दोस्तों कंपनी, और जो इसकी अर्निंग है वो नेगेटिव में इसके वजह से चल रही है दोस्तों। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है थोड़ा सा ज़्यादा है दोस्तों, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग डबल है दोस्तों, 4345 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है दोस्तों। और उसके अलावा कैश कंपनी के पास 502 करोड़ का पड़ा हुआ है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं नेगलिजिबल है दोस्तों कंपनी के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए दोस्तों। और जो प्रमोटर की ओनरशिप है दोस्तों, वो काफ़ी कम है, और इसमें ज़्यादातर प्रमोटर की ओनरशिप गाइस आइए चेक कर लेते हैं किन की है। तो उसके लिए हमें आ गया हूँ मैं अपने ट्रेंड लाइन सॉफ्टवेयर में दोस्तों। ये देखिए जो इसकी ज़्यादातर प्रमोटर की ओनरशिप है वो एज अ इंडियन बैंक है दोस्तों, जो इंडिया के बैंक हैं लार्जेस्ट, वो उनकी हिस्सेदारी है दोस्तों। और ये हिस्सेदारी डेप्ट टू इक्विटी द्वारा कन्वर्ट की गई है दोस्तों। कंपनी बैंकों ने कर्जा दिया था दोस्तों GTL इंफ्रा को, वो कर्जा कंपनी पे नहीं कर पाई, तो उस अकॉर्डिंग बैंकों ने अपनी इक्विटी इशू करवा ली है कंपनी से दोस्तों, तो उस बेस पे इनकी हिस्सेदारी इतनी बनकर आ रही है दोस्तों। और उसके अलावा जो गाइस अभी आपको अपने फोन पे या PC पे कहीं पे जाके यही चेक करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए गूगल में जाके सर्च मार लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो गाइस यही अपने को सर्च मारना है कि टाटा जी ग्रुप टेक ओवर न्यूज। आपको ओनली फॉर यहाँ पे ये देखिए टाटा ग्रुप 100% स्टेक, एयर इंडिया का भी इन्होंने स्टेक परचेज किया है दोस्तों। उसके अलावा जो इनके स्टेक परचेसिंग की है दोस्तों, वो ये देखिए लगातार ही कंपनी जो टाटा ग्रुप है वो किसी न किसी कंपनी में टेक ओवर की न्यूज़ आती रहती है दोस्तों। अभी एयर इंडिया में कंपनी ने बिडिंग जीती है दोस्तों, उसके अलावा फोर्ड में भी अच्छी खासी जीती थी। और उसके अलावा जो ये है दोस्तों, डिफेंस पे कंपनी का काम चल रहा है टाटा ग्रुप का, उसमें जो कहीं ना कहीं ये न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि टाटा ग्रुप टेक ओवर करने वाला है इस टेलीकॉम के जो टावर है उनको टेक ओवर करने वाला है, जो टेलीकॉम टावर को इंस्टॉल करवाती हैं कंपनियां उनमें अपनी स्टेक परचेज करने वाला है दोस्तों। और ये गाइस ये ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है गाइस, शायद अभी इसमें टाइम लग सकता है आने में गाइस न्यूज़ को, आप इस चीज़ को एज अ एजुकेशन पर्पस लें दोस्तों। इस अकॉर्डिंग आप इसमें स्टॉक में कोई भी अपनी परचेसिंग अपनी रिस्क कैपेबिलिटी के द्वारा ही बनाएं दोस्तों। ये देखिए कंपनी का जो अभी शेयर प्राइस चल रहा है 1.60 रुपये है दोस्तों, और यहाँ से खोने को कुछ भी नहीं है दोस्तों, और पाने को बहुत कुछ है गाइस। और कंपनी को इंसॉल्वेंसी के द्वारा कोई भी जीत नहीं सकता, और कंपनी का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बेस है दोस्तों, और कंपनी की अर्निंग में ज़्यादातर दूर दूर तक कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है दोस्तों।
इस अकॉर्डिंग आप इस कंपनी में पोजीशन बना सकते हैं। ये देखिए 52 वीक लो है 45 पैसे का और 52 वीक हाई है 4.90 रुपये का। और इस अकॉर्डिंग आप चेक करें दोस्तों तो आपको काफ़ी अच्छी प्राइस पे अभी भी स्टॉक मिल रहा है दोस्तों। और फ्यूचर फोरकास्टिंग जो होने वाली है दोस्तों 5G की, उसमें काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है ये कंपनी GTL इंफ्रा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, वीडियो एजुकेशन एजुकेटिव लगी है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।